शब्दों में आपको आज बताने वाला हूं डिप्रेशन और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसका क्या संबंध है और एनएलपी से डिप्रेशन कैसे ठीक किया जा सकता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब भाषा से अपने ब्रेन का प्रोग्रामिंग कैसे करना और उसे डिप्रेशन कैसे अच्छा करना, उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को हम बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट डिप्रेशन के मेरे पास में आते हैं जो बोलते हैं हमको दवा नहीं होना और बिना दवाई का अच्छा करो, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, यह कंसेप्ट रिचर्ड बैंडलर करके साइंटिस्ट थे एक, और जॉन ग्राइंडर करके उनके दोस्त थे, उन्होंने मिलकर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की शुरुआत किया। और इसमें ब्रेन का प्रोग्रामिंग कैसे करना भाषा के साथ, उसके बारे में चर्चा की हुई है। उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी हम हैं, जो भी बाहर देखते हैं वो इनसाइड आउट है, मतलब जो भी अंदर है वो बाहर दिखता है। वैसे हमको दो माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है मतलब जागृत मन जो है वो है 10%, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो है 90%। और समझने के लिए समझो बर्फ की एक चट्टान समुद्र में है, तो वो चट्टान जो है बर्फ की, तो जो भाग पानी के ऊपर दिखता है वो है 10%, और पानी के नीचे जो रहता है वो है 90%। तो समझने में आपको आसान हो जाएगा। अब क्या होता है कि हम जो भी चीज बाहर के वातावरण में देखते हैं तो वो हमारे 5 senses से अंदर दिमाग में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब एक तो आँख से जाएंगी विजन, एक तो कान से जाएंगी ऑडिशन, एक तो स्पर्श से जाएंगी मतलब काइनेस्थेटिक सेंसेशंस स्पर्श, दूसरा है नाक से जाएंगी सुगंध, और पांचवा है जीवा से जाएंगी मतलब टेस्ट। तो ये 5 तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर की जाती है। मगर जैसी बाहर घटित हो रही है वैसी सबकॉन्शियस माइंड में जाती नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो दिखता है, जो अंदर जा रहा है, उसमें का कोई भाग निकल जाएगा, कोई भाग को तोड़ मरोड़ करके अंदर जाएगा, कुछ भाग को एक जनरलाइजेशन किया जाएगा, सर्वसामान्य रूप से उसको जनरलाइज करके अंदर जाएगा, उसका कुछ अर्थ लगा के वो अंदर जाएगा, उसकी कुछ कहानी बना के वो अंदर जाएगा, कुछ पास के एक्सपीरियंस है, अनुभव है पास के, उसको लेके वो अंदर जाएगा, कुछ विश्वास है उसको लेके अंदर जाएगा, कुछ कहानी हमने बना के रखी उसको लेके अंदर जाएगा। मतलब जो बाहर हो रहा है वैसा पूरा के पूरा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जाएगा नहीं, वो तोड़ मरोड़ के अंदर जाएगा और वो एक रिप्रेजेंट हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको एनएलपी के भाषा में बोलते हैं पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, PIR। और वो जो PIR जो है मतलब जो भी बाहर से हो रहा है उसका एक अंदर एक छाप पड़ी हुई है, एक इम्प्रिंटिंग हो चुका है, और जो भी अभी उसका अर्थ हमने लगाया, जो भी इम्प्रिंटिंग हो गया है, जो भी उसका मीनिंग है, जो भी उसकी स्टोरी है अंदर बैठी हुई है, अभी वहाँ से निकलती है बॉडी स्टेट मतलब फिजियोलॉजी। वहाँ से आएंगे फेशियल एक्सप्रेशन, वहाँ से आएंगे हमारे मूवमेंट्स, वहाँ से मोटर मूवमेंट आएंगी, हलचल आ जाएंगी, चेहरे के हाव भाव आ जाएंगे, वॉइस का टोन आ जाएगा, मतलब वहाँ से बॉडी स्टेट बनती है। और PIR पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और बॉडीली स्टेट, ये दोनों मिलके
बनती है मेंटल स्टेट, मानसिक अवस्था, मन की अवस्था। और वो जो मानसिक स्टेट है, मेंटल स्टेट जो है, वो मेंटल स्टेट से हमारे बिहेवियर दिखते हैं, हमारी वर्तणूक कैसी है, हमारा बर्ताव कैसा है बाहर, वो दिखता है। वो हमारे एटीट्यूड में आएगा, हमारे बिहेवियर में आएगा, हमारे सोच में आएगा, जो भी दिखता है वो बिहेवियर है। और जैसा बिहेवियर होगा, वहाँ से हमको आउटकम तथा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यदि हमको डिप्रेशन को ठीक करना है और वो बिना दवाई का ठीक करना है, तो हमको एक तो PIR बदलना पड़ेगा, मतलब पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, या फिर बिहेवियर को ऑल्टर करना पड़ेगा, या फिर मेंटल स्टेट को ऑल्टर करना पड़ेगा, या फिर बॉडी स्टेट को ऑल्टर करना पड़ेगा। मतलब ये जो जो भी घटक है इसमें, इसके ऊपर हल्ला बोल करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रभाव डालना पड़ेगा। और वो यदि प्रभाव डालते हैं तो PIR बदल जाएगी, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है विचार, क्योंकि विचार उनसे आचार और उच्चार होता है, तो विचार बदल जाते हैं तो वहाँ से मूड जो है, इमोशंस, वो बदल जाएंगे और वहाँ से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो ये आप समझ लेते हैं कि जो भी बाहर से अंदर जा रहा है उसको हम अंदर कैसा डाल रहे हैं, और जो भी अंदर गया हुआ है उसको हम कैसा बदल सकते हैं, और वो भी बदलना है भाषा से, और उसकी ट्रीटमेंट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में होती है, NLP में होती है। NLP पे हम एक तो PIR बदलते हैं, मतलब पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बदलते हैं, या बॉडीली स्टेट बदलते हैं, या मेंटल स्टेट बदलते हैं, और वहाँ से डिप्रेशन का इलाज होता है। तो इसके लिए फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसके लिए रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसके लिए NLP के अलग अलग टेक्निक्स है, इसके लिए सम्मोहन उपचार है। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको जल्दी फ़ायदा होना है, जल्दी फ़ायदा चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन का एक थ्योरी जो है वो भी ये है कि भाई डिप्रेशन मेंटल स्टेट से होता है, उसके साथ साथ केमिकल इम्बैलेंस से भी होता है। बोलते नहीं, हमारा केमिकल इम्बैलेंस, हम गोली लेने को तैयार है, केमिकल इम्बैलेंस ठीक कर दो, जल्दी जल्दी अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए दवाई भी है। और जो दवाई लेते नहीं है उनको साइकोथेरेपी, सम्मोहन उपचार, मतलब हिप्नोथेरेपी, NLP टेक्निक से डिप्रेशन अच्छा हो सकता है, और एक आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, शांति समाधान का जीवन, डिप्रेशन फ्री लाइफ आप जी सकते हैं, और यह संभव है। आपके आजू बाजू में काफ़ी सारे लोगों को डिप्रेशन होगा। आज ऐसा स्टैटिस्टिक्स है कि 25-40% लोगों को डिप्रेशन है, और वो कभी ना कभी दिखाई देता है ज़िंदगी में। आपके आजू बाजू में कितने सारे लोग होंगे कि जिनको डिप्रेशन है मगर वो बोलते भी नहीं, अंदर चल रहा है, उदासीनता है, काम करने की इच्छा नहीं है, मन में कभी कभी रेसिग्नेशन आता है, रोना आता है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, मन को अच्छा लगता नहीं है, निराशा आती है, इसे काफ़ी सारे दिन भर में इमोशंस बदलते रहे। उनको जरूर वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगा तो लाइक करो। आप बेल का बटन दबाएंगे ना तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आप जरूर आपके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो मिशन है वह है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।